नमस्कार, आपका स्वागत है जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज एट फाइव। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने आज सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसले को पलटते हुए ये फैसला दिया है। पहले के दोनों फैसलों में प्राइवेसी को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था। इस फैसले के बाद अब लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर आधार स्कीम पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आधार को जरूरी करने के खिलाफ अर्जी के बाद ही राइट टू प्राइवेसी का मामला 9 जजों की बेंच तक पहुंचा था। हालांकि आधार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच अलग से सुनवाई करेगी। 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस J.S. खेहर कर रहे थे। राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले का स्वागत किया है। Consistently of the view, particularly with regard to Aadhaar also, that the right to privacy should be a fundamental right flowing from Article 21, and it should be subject to the reasonable restrictions as enjoined therein. एयर इंडिया के विनिवेश की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने मुंबई में एयर इंडिया के अपार्टमेंट्स को बेचने का फैसला किया है। इन अपार्टमेंट्स की बिक्री से एयर इंडिया को कम से कम 305 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। इन फ्लैट का रिजर्व प्राइस 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच रखा गया है। इन प्रॉपर्टीज में से कुछ के लिए जहां 31 अगस्त तक बोली लगाई जानी थी, कुछ की बोली 1 सितंबर यानी एक दिन बाद तक बोली लगाई जा सकती है। इन प्रॉपर्टीज की बिक्री के लिए कुशमैन एंड वेकफील्ड को सलाहकार नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया के पास कल 42 फ्लैट्स हैं। जी, और इस खबर पर थोड़ी और डिटेल्स में बात करने के लिए समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए और क्या अपडेट है आपके पास? एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर फ्लैट बिक्री की कुछ खबरें आ रही हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सरकार ने मंशा साफ कर दी है कि एयर इंडिया के जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनके बिकवाली करके एक तो उससे घाटे से उबारने की कोशिश की जाएगी, जितना और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि जितने भी हो सके उतना अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए कदम उठाया जाएगा। उसी के तहत सरकार एयर इंडिया के तमाम जो फ्लैट्स मुंबई में हैं उनको बेचने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट फ्लोट किया है। बिडिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी, लेकिन मुंबई में जहाँ पॉश एरिया में जो जहाँ जहाँ पे एयर इंडिया के फ्लैट्स हैं, जैसे कि पाली हिल मुंबई के पैडर रोड में, मलाड में, तो यहाँ पे जितने भी एयर इंडिया के फ्लैट्स हैं उनको बेचने के लिए बिडिंग प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। एयर इंडिया को उम्मीद है कि इस फ्लैट के बिकवाली से उनको तकरीबन 300-350 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो लोग मुंबई में ये घर लेना चाहते हैं और जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो एयर इंडिया की इस प्राइम प्रॉपर्टी पर ज़रूर इस पर उनकी निगाह होगी। और जो प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें तो मुंबई के पाली हिल पैडर रोड ये बहुत ही पॉश एरिया है, यहाँ पे पहली बात तो घर मिलना मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर एयर इंडिया की प्रॉपर्टी जो कि प्राइम लोकेशन पे मौजूद है उसकी बिडिंग प्रोसेस की शुरुआत हो रही है, तो जाहिर बात है एयर इंडिया को भी उम्मीद है कि जो रिजर्व प्राइस है, जो बेस प्राइस है, उससे कहीं ज़्यादा उनको प्रॉपर्टी के दाम मिल सकते हैं। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं जैसे कि पाली हिल में, वहाँ पर कुछ फेमस सेलिब्रिटी भी रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में दीपिका पादुकोण है और वहाँ पर एयर इंडिया की के दो फ्लैट मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये जो गणित है जिसमें टीवी सेलिब्रिटी का होना, पाली हिल में फ्लैट होना, पैडर रोड में या फिर मलाड में, तो इस सब से एयर इंडिया को उम्मीद है कि जो बिडिंग प्रोसेस में जो बेस प्राइस से वो शुरुआत करेगी उससे कहीं ज़्यादा उनको इसकी रकम मिल सकेगी और तकरीबन 350 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रही है एयर इंडिया। जी,
चलिए शुक्रिया समीर, बहुत बहुत आप इस तमाम जानकारी देने के लिए। एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और देखना होगा कि आगे इसमें किस तरह के अपडेट्स निकल कर आते हैं और कुछ सलाहकार भी इसके लिए नियुक्त कर लिए गए हैं। लेकिन इंफोसिस आज भी खबर में था, करीब 2 से 2.5% की तेजी शेयर में देखने को मिली थी। इंफोसिस की कमान नंदन नीलकणी के हाथों में आने की जी बिजनेस की जो एक्सक्लूसिव खबर थी वो पुख्ता होती जा रही है और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर उथल पुथल से जूझ रही इंफोसिस के नीलकणी की वापसी के लिए लॉबिंग जोर शोर से शुरू हो गई है। निवेशकों की भलाई को देखते हुए कंपनी के दूसरे हिस्सेदार भी इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। साफ सुथरी छवि, जाना पहचाना नाम, वो शख्स जिसने पहले भी इंफोसिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जी हाँ, नंदन नीलकणी। विवादों से गुजर रहे ऐसे नाजुक समय में न सिर्फ कंपनी के फाउंडर्स बल्कि अन्य प्रमोटर्स को भी लगता है कि नंदन नीलकणी की वापसी के साथ ही इन विवादों को जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है। इसलिए इंफोसिस में 7% हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी LIC ने भी नीलकणी के नाम का समर्थन कर दिया है और जल्द ही वो इस मामले में मैनेजमेंट से बात कर सकती है। LIC की इंफोसिस में करीब 7% की हिस्सेदारी है और वो मानती है कि नंदन के जुड़ते ही चीजें ठीक हो सकती हैं। वैसे जी न्यूज आपको लगातार इंफोसिस से जुड़ी जानकारियां सबसे पहले बता रहा है और ब्लूमबर्ग की माने तो इंफोसिस के चेयरमैन आर शेषासाई की छुट्टी भी जल्द हो सकती है। इससे पहले कल ही हमने आपको बताया था कि नंदन नीलकणी की वापसी से पहले बोर्ड के 3 सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं। खबर ये भी है कि नंदन की वापसी के लिए इंफोसिस में हिस्सेदारी रखने वाले अन्य प्रमोटर्स से भी कंपनी फाउंडर्स की बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि नीलकणी 2002 से 2007 तक इंफोसिस के CEO रह चुके हैं। फिलहाल नीलकणी के परिवार की कंपनी में करीब 2.25% की हिस्सेदारी है। नीलकणी के कार्यकाल में ही कंपनी का शेयर 320% तक उछला था। हालांकि अगर वो इस वक्त इंफोसिस का कार्यभार संभालते हैं तो उनके सामने बोर्ड और फाउंडर्स के बीच दरार भरने जैसी तमाम चुनौतियां होंगी, साथ ही कर्मचारियों और ग्राहकों को भरोसा कायम करना होगा। फिलहाल इंफोसिस में गोपाल कृष्णन परिवार की 3.08%, मूर्ति परिवार की 2.65%, नीलकणी परिवार की 2.29%, के दिनेश परिवार की 1.96% और शिबुल परिवार की 1.86% की हिस्सेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो LIC ने भी समर्थन कर दिया है नीलकणी का, लेकिन बैंगलोर में नंदन नीलकणी के घर के बाहर का जायजा लिया है हमारी सहयोगी निश्चिता वीरेंद्र ने। मैं अभी नंदन नीलकणी के घर के बाहर खड़ी हूँ। नंदन नीलकणी जो है फॉर्मर CEO थे इंफोसिस के, और इसके अलावा शायद वो अगला नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बन सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है इंफोसिस के अंदर एक वॉर सा चल रहा है दोनों ग्रुप्स के बीच में, फाउंडर्स और बोर्ड मेंबर्स के ग्रुप्स के बीच में, और इसके इसका रिजल्ट भी हम देख चुके हैं। लास्ट वीक हमने देखा विशाल सिक्का जो CEO और MD थे इंफोसिस के, इन्होंने स्टेप डाउन किया और बोला कि इंक्रीजिंगली पर्सनल अटैक्स होते जा रहे हैं इनके अगेंस्ट, इसी के कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और इस सब के बीच में नंदन नीलकणी जो है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे फाउंडर्स और बोर्ड मेंबर्स के बीच में, और अब शायद वो एक कंपनी के अंदर एक फंक्शनल रोल भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक नॉन एग्जीक्यूटिव रोल, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरफ से वो आ सकते हैं। प्रीवियसली नंदन नीलकणी 2009 तक इंफोसिस के साथ एसोसिएटेड थे, इसके बाद ये UIDAI के चेयरमैन भी बने और इन्होंने आधार का पूरा काम खत्म किया। अभी वो शायद अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड जो है उसमें वापस आते देख सकते हैं, हम सभी IT सेक्टर में वापस आते देख सकते हैं। बेंगलुरु में वीडियो जर्नलिस्ट शिवू के साथ निश्चिता, जी मीडिया। चलिए, ये थी हमारी सहयोगी नीलकणी के जस्ट घर के बाहर ही उन्होंने पूरा जायजा लिया और उस तरह का अपडेट दिया है। काफी तरह की खबरें भी आ रही हैं, DIS की तरफ से भी सहमति बन चुकी है, उन्होंने भी समर्थन किया है उनका। और कल हमारी ए बालकृष्णन जी से भी बात हुई थी एक्सक्लूसिव बातचीत में, उन्होंने भी नीलकणी का समर्थन किया था। देखना होगा इस पर और किस तरह के अपडेट आते हैं। लेकिन अब GST से जुड़ी एक और अपडेट, फर्नीचर और किचन अप्लायंसेस पर GST दरें कम हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक किचन अप्लायंस पर फिलहाल 28% GST लगा, जिसे घटकर 18% किया जा सकता है। हमारे साथ और जानकारी लेकर जुड़े हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, क्या है पूरी जानकारी, GST को लेकर आपके पास क्या क्या अपडेट है?
आने वाले कुछ दिनों में मुमकिन है कि जो फर्नीचर और जो किचन अप्लायंसेस पर जीएसटी की दर लगती है उसमें कमी आएगी, क्योंकि ये जो फर्नीचर और किचन अप्लायंसेस है वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो देश भर के जो रिटेलर्स है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन है रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने जीएसटी काउंसिल से गुहार करी थी कि फर्नीचर और किचन अप्लायंसेस पे जो अधिकतम जीएसटी की दर लगी हुई है उसको कम किया जाए, जिससे आम आदमी को फायदा होगा। तो जीएसटी, हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने ये जो मांग थी उसको मान लिया है और आने वाले दिनों में इसका ऐलान होगा। इसके अलावा जो ब्रांडेड अप्रेल्स के अंदर जो टेलरिंग का काम होता है उसको लेकर भी जो अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि वहां पर 5% जीएसटी लगेगा या फिर 18% जीएसटी लगेगा, तो उसको लेकर भी क्लैरिटी देने वाला है जीएसटी काउंसिल। और जियो के फोन की प्री बुकिंग करीब 1.5 घंटे बाद शुरू होगी। फोन की बुकिंग आज शाम 5:30 बजे से शुरू हो रही है। आप ऑनलाइन भी जियो के फोन की प्री बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में जियो रिटेलर्स और रिलायंस डिजिटल स्टोर्स से बुकिंग होगी। फिलहाल ₹500 देकर जियो के फोन की प्री बुकिंग कराई जा सकती है। फोन की डिलीवरी के समय सिक्योरिटी डिपॉजिट में इस रकम को जोड़ लिया जाएगा, जिसके चलते बाद में केवल ₹1000 ही देने होंगे। जियो फोन के यूजर्स 36 महीने बाद फोन वापस करके सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस भी ले सकते हैं। प्री बुकिंग कराए जाने के बाद जियो फोन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे। और इस पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़े हैं, केतन और दिनेश। केतन, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी बस 10 मिनट अगले कुछ ही देर में प्री बुकिंग चालू होने वाली है, किस तरह का माहौल है वहां पर? केतन, आपको आवाज आ रही है? चलिए पहले दिनेश से संपर्क ले लेते हैं। दिनेश, क्या अपडेट है? अभी 5:30 से प्री बुकिंग चालू होने वाली है, किस तरह का माहौल है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, 5:30 बजे इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो रही है और हम एक मल्टी ब्रांड स्टोर के सामने खड़े हैं। यहाँ पे भीड़ को काबू करने के लिए और मैनेज करने के लिए यहाँ पे बहुत स्मार्टली इन लोगों ने पहले ही लोगों से बुकिंग अमाउंट ले ली है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन 5:30 बजे के बाद करेंगे। और इसका सिर्फ ये मकसद था कि यहाँ पे भीड़ और भीड़ बेकाबू ना हो जाए। और जब हमारी यहाँ पे स्टोर ओनर से बात हुई और बाकी यहाँ के स्टोर मैनेजर से बात हुई, तो उनका कहना है कि अभी तक 5:30 बजने से पहले लगभग 1000 लोगों की अमाउंट, बुकिंग अमाउंट हमारे पास, इनके पास आ चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर उत्साह कितना है। और जैसे ही 5:30 बजेंगे, इनका ये कहना है कि 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक आज इनका स्टोर खुला रहेगा और इसकी बुकिंग ये लोग लेते रहेंगे। जी चलिए, केतन भी जुड़े हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। केतन, अभी वहाँ पर अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पर किस तरह का माहौल है? आपसे बस 15 मिनट में ही प्री बुकिंग चालू होने वाली है, किस तरह का माहौल आप वहाँ पर रिटेल स्टोर्स में देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक रिटेल स्टोर है और आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि एक लंबी सी भीड़ है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका बुकिंग के लिए है वो नाम लिखा जाए। 500 रुपये अभी देने होंगे और हमारे साथ कुछ ग्राहक भी है और स्टोर ओनर भी है। आइए उनसे बात करते हैं, किस तरह का आज पूरा बुकिंग प्रोसेस रहने वाला है? बुकिंग का सुबह से ऐसा प्रोसेस ऐसी है कि उसके अंदर आपको 500 रुपीज़ बुकिंग है वो आपको पे करना है। फिर नेक्स्ट वन के अंदर जो लॉन्च होगा उसी टाइम पे बाकी के डिफरेंट जो 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ यानी वो पे करना रहेगा और फ़ोन परचेस करना रहेगा। एक आध ग्राहक जो यहाँ बुक करवाने के लिए आए हैं उनसे बात करते हैं। हमें ये बताइए कि बुकिंग किस तरह से आप क्यों, क्या मन बनाकर यहाँ बुकिंग करवाने के लिए आए हैं? हम यही मन बना के आए कि भाई इससे अच्छी स्कीम और कोई मिलने वाली है नहीं, तो ये बुक जल्दी से जल्दी हम करवा सके, इतना अच्छा है हमारे लिए। क्या फीचर्स के बारे में आप जानते हैं, क्या क्या इसमें मिलेगा और जो अभी स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं उनसे बेहतर साबित होगा? अगर हम अभी जो यूज़ करें उनसे बेहतर तो नहीं हो सकता ये स्मार्ट साबित, क्योंकि इससे एप्पल वॉच कनेक्ट होती है वगैरह, काफ़ी फीचर्स है, मगर ये भी जो हमको मिल रहा है वो भी सबसे ज़्यादा ऐसा बोलो तो चलेगा इस प्राइस में। तो लोग ये मन बनाकर आए हैं कि जो कीमत रखी गई है 1500 रुपये रिफंडेबल 3 साल के बाद, तो इस प्राइस में इस तरह का फ़ोन नहीं मिल सकता और ख़ासकर अपने घर पर रखकर भी उस पर टीवी कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टी
फीचर्स इसमें है, तो ये एक एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर कि किस तरह का फ़ोन होगा। इसलिए बुकिंग में भी इतना आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है, तो काफ़ी लोग उत्साहित है बुकिंग को लेकर। जी तो चलिए, काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि बुकिंग के आंकड़े किस तरह के होते हैं, क्या अपडेट्स वहां से निकल कर आते हैं। लेकिन रिलायंस के लिए जियो सिम के बाद अब ये एक बड़ा ट्रिगर माना जा रहा था, ये जो प्री बुकिंग का फोन का जो प्री बुकिंग था वो एक बड़ा ट्रिगर माना जा रहा था रिलायंस के लिए। देखना होगा किस तरह का रिस्पांस मिलता है, और जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो रिलायंस में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ।